हाँ जो अभी ये तो अभी हम लोग मॉन्ट्रियल डाउनटाउन में जा रहे हैं भैया, तो वीडियो में आपको घुमा देता हूँ और मॉन्ट्रियल का डाउनटाउन कैसा है दिखाता हूँ भैया, ठीक है। देखिए डाउनटाउन का ये पोजीशन है भैया, ग्रीन लाइट है तो भी अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आगे जाने की जगह नहीं है, और मैं यहाँ पे आगे आके खड़ा हो गया हूँ। मैं रोड ब्लॉक करूँगा, उसको थोड़ा रिवर्स ले लेता हूँ ताकि पीछे वाले लोग भी आ सके भैया। ये डाउन टाउन में ड्राइविंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है भैया, सब गाड़ी लगो लग लगी हुई है। देखा भैया, तो आपको एक अंदाजा देता हूँ क्या मॉन्ट्रियल में भैया लाइव कैसे है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और पुलिस और एम्बुलेंस है, ढुपुक ढुपुक चालू का चालू ही रहता है भैया। यहाँ से आप न्यूयॉर्क भी जा सकते हो भैया, मॉन्ट्रियल से न्यूयॉर्क करीबन मेरे ख्याल से 7.5-8 घंटे का रास्ता है। मैंने उसका भी वीडियो बहुत टाइम पहले बनाया था, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं ये धीरे धीरे चालू करता हूँ। देखिए हम लोग जा रहे हैं डाउन टाउन टिहान के भैया, मैं आपको चाइना टाउन बताऊँगा आगे जाके, तो आपको मालूम पड़ेगा हमको आगे से यहाँ पे लेफ्ट लेना है भैया। यहाँ पे ड्राइविंग पे बहुत फोकस मारना पड़ता है। यहाँ पे बहुत सारे देशों की सब एम्बेसी यहाँ पे ही लगी हुई है भैया। अगर आप कभी भी भैया यहाँ पे मॉन्ट्रियल में घूमने आए तो एक बार डाउनटाउन में ज़रूर आइए भैया। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी इंडियन रेस्टोरेंट भी है, और रहने के लिए आपको अच्छा सा सस्ता सा चीज़ चाहिए तो यूथ हॉस्टल है, वहाँ पर जाके रुकिए भैया। डोरमेट्री आपको 40-50 डॉलर में बढ़िया सा मिल जाएगा। और यहाँ पे डाउनटाउन में सबसे बढ़िया घूमने का रास्ता कैसा है पता भैया, अगर आपने ट्रेन लेके नहीं तो मेट्रो लेके आए तो घूमने का बहुत मज़ा आता है चल के भैया। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे टेस्ला गाड़ी चार्ज हो रही है, देखा आपने। तो यहाँ पे अभी ऐसे बहुत सारे म्यूनिसिपालिटी ने मशीन लगा रखे भैया, तो आप वहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। मेरे को भी लेफ्ट लेना है, लेकिन देखिए उसको ध्यान रखना है भैया, ये बेचारा उनकी मानसिक हालत मेरे ख्याल से ठीक नहीं लग रही है बाइक की, तो उसको लेफ्ट में लेता हूँ आराम से, धीरे धीरे से लगा लगा के गाड़ी चल रही। जो भी मेरे भाई भैया दुबई इंडिया वहाँ से जो ड्राइवर लोग रहे देख रहे भैया, मेरे को गाली मत देना क्योंकि हमारा ड्राइविंग इतना अच्छा नहीं है। अरे यहाँ पे मेरे को लेफ्ट लेना था, मैं चूक गया भैया, चूक गया चूक गया। अभी आगे नहीं जा सकता क्योंकि अभी एंट्री बंद है भैया, तो अभी मेरे को यहाँ से राइट मारना है। मैं आपको चाइना टाउन की ओर जाने की सोच रहा हूँ। देखा भैया, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है टर्निंग में भैया, बहुत सारे लोग भैया होते हैं, किसी को अपनी गलती से ज़रा भी उसको परेशान नहीं होना चाहिए मांगता भैया। देखिए ये मॉन्ट्रियल भैया 24 घंटे जैसे अपना मुंबई होता है ना ऐसे पूरा दिन चलता है। देखा कोई ना कोई, ये भाई देखो ट्रॉली में से सब सामान उतार रहा है। देखा ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग भैया, और यहाँ पे आपको ऐसा मत सोचो कि सब आपको फ्रेंच ही आना चाहिए। अरे ये मेरे बोलने के चक्कर में मैं भैया एक और छूक गया। यहाँ पे अगर आपको, यहाँ पे मैंने एक बार पार्किंग किया हुआ है, यहाँ पे आपको फ्रेंच नहीं आती होगी तो भी भैया यहाँ पे इंग्लिश में लोग सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। अगर आप घूमने के लिए आते हैं मैं तो बोलता हूँ जरूर आइए भैया, बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है यहाँ पे घूमने के लिए। मेरे को यहाँ से मारना है राइट धीरे धीरे से। देखिए हाँ, ये तो ये हुआ अपना मॉन्ट्रियल का मेन डाउनटाउन भैया। तो अभी मेरे को पार्किंग का ढूंढना थोड़ा शुरू करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग धीरे धीरे चाइना टाउन की ओर चलेंगे भैया। तो यहाँ पे ये हाँ हाँ दोस्त का एक फोन आया अभी, तो उसको गाड़ी यहाँ पे लगा देता हूँ अभी।